जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस की। तो मटेरियल कैन इधर बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमारे पास जितनी भी दुनिया में मटेरियल्स हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो आज के चैप्टर का हमारा मुद्दा रहेगा कि मेटल्स और नॉन मेटल क्या हैं, मटेरियल कितने किस्म के हैं, और ख़ास करके हम जाएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी डिस्कस करेंगे कि हमें दिखने में या महसूस करने में या फिजिकली अपेयरेंस में मेटल्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, या उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, मटेरियल्स कैन आइदर बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं या तो वो मेटल हैं या तो वो नॉन मेटल्स हैं, यानी धातें दो किस्म की होती हैं, ठीक है। तो एक को मेटल कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, लेकिन मेटल्स की अपनी खासियत है और नॉन मेटल्स की अपनी खासियत है। मेटल्स डिफर फ्रॉम नॉन मेटल्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। किस बेस पे? कुछ फिजिकल यानी शक्ली लिहाज से और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी रिएक्शन करने की जो ताकत है किस चीज़ के साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं, उस लिहाज से ये आपस में डिफरेंट है। ऑल मेटल्स शेयर सर्टन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ज़रूर होती हैं। तो मेटल्स आर यूजली शाइनी, हार्ड, स्नोरस, मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स आर यूजली शाइनी यानी चमकदार होते हैं, हार्ड यानी सख्त होते हैं, स्नोरस यानी उनसे आवाज़ आती है, मैलिएबल यानी उनकी हम जो है क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल्स उनकी तारें बना सकते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल्स के अंदर क्या खासियत है कि वो बिजली और हीट को कंडक्ट भी करते हैं। दे आर सॉलिड्स और वो सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं वो सॉलिड, विद एक्सेप्शन ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड होती है, विच इज़ लिक्विड। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। नॉन मेटल एग्जिबिट डल लस्टर्स, उनकी इतनी चमक नहीं होती है। दे आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन सोनोरस, वो आवाज़ नहीं दे सकते, एंड आर ब्रिटल, और वो चमकते चमकदार भी नहीं होते हैं, ना ही वो अपनी से साउंड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं नॉन मेटल्स, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, जबकि मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मेटल यूजली कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स आमतौर पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं ताकि बेसिक ऑक्साइड्स बना सकें। नॉन मेटल यूजली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। रस्ट इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर ऑन आयरन। रस्ट कब बनता है, जंग कब लगता है लोहे पे, कि जब पानी और हवा का एक्शन होता है। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कुछ मेटल जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली इवन विद द कोल्ड वाटर, फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम। गोल्ड जो है वो स्टीम यानी जो हम भाप बनता है उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता। सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, सोडियम को कैरोसिन ऑयल में ही स्टोर किया जाता है। फॉस्फोरस इज कैप्ट इन वाटर एज इट रिएक्ट्स विगरसली विद एयर। फास्फोरस जो है वो भी पानी के साथ रखा जाता है क्योंकि ये भी एयर के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल जो है वो उनका पानी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं।
Some metals react with the acids, hydrochloric acids, replace hydrogen atoms in their molecules. Gold, copper and silver are unaffected by the hydrochloric acids. Metals in their increasing order to reactivity with oxygen, water and acid are gold, silver, copper, iron, zinc, aluminium, magnesium and sodium. More reactive metals replaces less reactive metals from their compounds. Hydrogen gas burn with the hip-hop sound ki tarah hydrogen gas jo hai wo burn hoti hai. Metals have a wide use in industry. Metals ka industry ke andar bahut istemal hota hai, kitchen ke andar hota hai, households things ke andar hota hai, utensils metals ke hote hain, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारा मटेरियल जो है वो मेटल्स का बना होता है. नॉन मेटल्स आर आल्सो वाइडली यूज. नॉन मेटल का भी बहुत वसी इस्तेमाल होता है. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ सस्टेनेंस. अब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है लेकिन लाइफ जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है. इट इज़ यूज इन द फर्टिलाइजर्स एंड क्रैकर्स. आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा आर नीडेड बाई ह्यूमन बॉडी. तो आयरन नॉन मेटल है, जैसे आयरन जो है वो मेटल है, इस तरीके से आयरन जो है ये भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जो आपने याद रखना है. मैलिएबिलिटी किसको बोलते हैं? MALLEABILIT, मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड बीटन इन टू शीट्स. यानी मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की कि जिससे हम इसको थोड़े से कूट के इसको ही हम शीट बना सकते हैं, पतली. डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी बाई विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स. डक्टिलिटी हो गई, इससे तारें बन जाती है मेटल से. सोनोरस क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू गिव ए रिंगिंग टिंकलिंग साउंड व्हेन स्ट्रक. जब हम एक थाली को किसी चम्मच के साथ बजाएंगे तो वहाँ से एक आवाज़ आएगी, रिंगिंग साउंड. लस्टर कहते हैं चमक को. लस्टर भी मेटल की प्रॉपर्टी है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मटेरियल्स हैविंग ए शाइनिंग अपीयरेंस. कंडक्टेंस द प्रॉपर्टी बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मेटल टू अनदर एंड. तो कंडक्टेंस हो गया. जब हम किसी चीज़ को गर्म करना शुरू कर देते हैं तो एक जगह एक तरफ से गर्म होते होते वो दूसरे तरफ से भी गर्म हो जाती है. एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स और एसिडिक ऑक्साइड्स एंड दे आर डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स. जब पानी में उनको डिजॉल्व करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं. बेसिक ऑक्साइड्स इसको बोलते हैं. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स द बेसिक इन नेचर and they form basis on addition of water. तो ये कुछ properties थी metals की. और जो एम introductory top part था हमारा metal non metal का, वो हमने discuss किया है. तो एक बार फिर जो आपको अक्सर exam में भी question आता है कि metals और non metals की जो है properties को आप differentiate कीजिए, अपेरेंस में ये कैसे होते हैं, हार्डनेस कैसी है, मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी की क्या है, हीट एंड हीट कंडक्शन की क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है. तो पहले हम मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग इनकी अपेरेंस के लिहाज से देखेंगे. अपेरेंस के लिहाज से यानी सामने दिखाई देने के लिहाज से मेटल जो है वो सिल्वरी और ग्रे इन कलर होते हैं, चमकीले होते हैं. नॉन मेटल डिफरेंट कलर्ड नॉन मेटल जो है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. हार्डनेस सख्त कौन है और नरम कौन सा है. हार्डनेस के लिहाज से अगर हम देखें तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं एंड हार्ड और सख्त होते हैं. लेकिन नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर. तो ये क्या होते हैं?
सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस में भी होते हैं रूम टेम्परेचर में। इसी तरीके से मैलेबिलिटी कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मेटल की हम शीट बना सकते हैं तो नॉन मेटल्स की हम शीट नहीं बना सकते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं ये। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनसे हम तारे बना सकते हैं पतली पतली बारीक बारीक, लेकिन नॉन मेटल से तारे नहीं बना सकते हैं, नॉन डक्टाइल हैं। हीट कंडक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो हीट कंडक्शन प्रॉपर्टी जो है वो मेटल के में होती है और नॉन मेटल में एब्सेंट होती है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अगर देखा जाए तो मेटल्स जो है वो पॉसिबल है, ये कंडक्ट करते हैं बिजली को और हीट दोनों को, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते। तो इसके साथ ही आज का हम ये टॉपिक अभी फ़िलहाल यहीं रोकेंगे, अगले टॉपिक को इसी चैप्टर से कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।